और वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, केंद्र सरकार के इस बजट ने आम जनता को आहत किया है। केंद्र ने आज जो बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किसान का कोई इसके अंदर स्थान नहीं रखा, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, शिक्षा के क्षेत्र में 1 रुपये भी बजट में नहीं बढ़ाया, और हेल्थ केयर में आज कोविड की चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके अंदर कुछ नहीं कहा। बहुत ही निराशाजनक बजट है। इनकम टैक्स में लोगों को उम्मीद थी कि कोविड के कारण राहत मिलेगी, कोई राहत अन्य वर्ग को नहीं दी गई, व्यापारियों के लिए कोई समाधान इसके अंदर नहीं निकाला। चारों तरफ से इस बजट को सराहा नहीं गया। एक ऐसा बजट है, बहुत ही नीरस बजट है। लोगों की जो उम्मीद थी वो उम्मीद इसके अंदर कहीं पूरी नहीं हो रही। केंद्र सरकार ने, भारत की वित्त मंत्री ने ये जो निराशाजनक बजट दिया है, इससे आम जनता आहत है। आम जनता को पूरा विश्वास था कि इनकम टैक्स के अंदर कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से, लगभग 2 साल से लोगों के व्यापार बंद हैं, नौकरियां छूट गई हैं, घर के अंदर सिस्टम नहीं बन पा रहा है, ना ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर कोई प्रावधान किया गया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आग लग रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।